हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। दोस्तों, आज की वीडियो ना इतनी खास होने वाली है भाई, क्योंकि मेरे को इस मैच में मिलने वाली है दो दो फ्लेयर गन। अब ये मैच जो है थोड़ा सा पुराना है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये इवेंट वाला मैप नहीं है जैसे कि आप जानते हैं भाई, जिसमें इवेंट चल रहा है आजकल। लेकिन ये मैच बहुत ज़्यादा खास है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें मेरे को दो फ्लेयर गन मिलती है, और भाई दोनों फ्लेयर गन को मैं कैसे चलाऊंगा, मतलब भाई एनिमी मिलते हैं, मतलब मेरे को एनिमी के पास फ्लेयर गन होती है, मतलब मैं कहीं से उठाता नहीं हूँ, तो वो मैं कैसे उससे उठाऊंगा और कैसे उसको मारूंगा और कैसे उसको चलाऊंगा और उसके बाद क्या चिकन ड्रा कर पाऊंगा, तो ये सारी चीज़ देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर आप बात करें यहाँ पे स्पॉन आइलैंड की, तो भाई स्पॉन आइलैंड में क्यों फ्लेयर गन नहीं मिल रही है या क्यों नहीं मिलती है, तो उसके रीज़न भी मैं आने वाली एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं खुद स्पॉन जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा पूरा कि भाई क्यों नहीं फ्लेयर गन मिलती कई बार स्पॉन आइलैंड पे। तो फिलहाल जो है हम उतर रहे थे पोचकनी। अब पोचकनी मैं इसलिए उतर रहा था क्योंकि भैया मेरे को पता था प्लेन पाथ पोचकनी से जा रहा है, तो बंदे तो आएंगे ही आएंगे, और बंदे ना आए पोचकनी में ऐसा हो नहीं सकता है। और पोचकनी जब जाओ तो भैया पोचकनी में मेरी फेवरेट जगह देख लो कहाँ पे है, ये तीन घर है भैया मेरे फेवरेट घर, तो यहाँ पे मैं लैंड करने के लिए कोशिश करता हूँ इन तीन घर में सबसे पहले। तो फटाफट हम लैंड करते हैं और नीचे मिलते हैं गन के साथ। अब जैसे मैं लैंड कर रहा था, मतलब मैंने सोचा आपके साथ मिलूंगा गन के साथ, लेकिन भैया यहाँ पे देखा तो पीछे बहुत सारे बंदे आ गए थे और मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाती है शॉर्ट गन ओम प्रकाश मिश्रा की, याद आती है इसको देखते ही। और भैया यहाँ पे मतलब इतना गंदा लैग हो रहा था ना मेरा, मतलब भाई एंड्रॉयड में रिकॉर्डिंग करना ना बिल्कुल महाभारत है, तो भाई किसी तरह अपने सस्ते से फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और भाई यहाँ पे शॉर्ट गन लेके साथ में जो भी मेरे को मिल रहा है मतलब सब कुछ उठा रहा हूँ मैं। लेवल वन का टोपा बैग वगैरह सब मिल गया मेरे को, तो यहाँ पे 502 का बंडल मिल गया था। मैंने सोचा अगर कुछ नहीं होगा तो एनिमी को अंधा कर दूंगा BDP के, मतलब उसके मुंह में बंडल फेंक के मारूंगा 502 का। लेकिन यहाँ पे जो मेरे को M16 मिल जाती है, और उसके बाद जो दोस्तों मैं यहाँ पे टीपी पे लेके मतलब मज़े से देख रहा होता हूँ कि भाई कोई मिल जाए जिसको पेल पाल दूँ और उसकी गन छीन लूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख जाता है, देख रहा हूँ क्या कर रहा है, मतलब ऊपर नशे ही कर रहा था, वहाँ पे टीपी भी ले रहा था बैठ के, मेरे को दिख चुका था। तो मैंने कहा यार मैं अकेला नहीं जाऊँगा भाई, पता नहीं शॉर्ट गन लेके बैठा होगा तो चिपका देगा मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसे। तो यहाँ पे जो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई साथ में जाओ भाई, मतलब मेरे साथ बात में आओ तभी मारूंगा मैं उसको। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो भाई वो तो यहाँ पे होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी नहीं होता वो बंदा, तो मैं कह रहा कहाँ छुप गया यार वो बंदा। तो मैं देखता हूँ नीचे फाइट हो चुकी है लोगों की, और पता नहीं आपस में इधर उधर हर जगह फुटस्टेप आते, मैं बड़ा कन्फ्यूज था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो मेरे को इतने में ये बंदा दिखता है, तो भाई मैं इसको मारता हूँ, और भाई ये किसी ने नॉक किया होता है मेरी टीम ने तो उसको किल चुरा लेता हूँ मैं, मतलब किल नहीं चुराता हूँ मतलब उसको किल दुला देता हूँ मैं। मैं भी क्या बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से निकल गई भैया। अब यहाँ से मेरे पीछे से कोई गोली मारता है, और भाई उसके बाद जो है ना दोस्तों यहाँ पे मेरे पास मतलब भाई कोई चारा नहीं होता, मतलब कोई ढंग की गन नहीं है यार, मतलब मैं इन दोनों गन से इतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ। मुझे कोई एक AR गन चाहिए थी, ऑटो गन चाहिए थी, जो कि अभी तक मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पे जो है भाई आशीष ने सारे कमलेश मार दिए, मतलब भाई इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, इसको कमलेश पे कमलेश मिले जाते। तो फाइनली एक कमलेश मुझे दिखता है, और मेरा गेम इतना गंदा लैग हो रहा था, तो आशीष उसका भी किल चुराने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे भैया आशीष ने मेरे को बुलेट्स लेने ही नहीं दी, इसे पता है और कमलेश है आसपास, तो उन कमलेश को मारने के लिए भैया मेरे को बुलेट दे ही नहीं रहा था। मैंने बोला भाई AKM की बुलेट दे, भाई AKM की बुलेट दे, इतना बड़ा मजदूर है ना ये बंदा, भाई किल के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, सामने वाले के ऊपर बम भी मार सकता है अपनी टीम के ऊपर। तो भैया ऐसे ही कुछ हुआ, देखो आपने देखा। तो यहाँ पे इसने मेरे को गन नहीं दी, और फिर मेरे को फाइनली इस कार में मिल गई। मैंने कहा अब जा तू, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भैया, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बॉट होते हैं, मतलब कमलेश उमलेश होते हैं यहाँ पे भी कुछ पीछे, तो मैं उनको अंदर में फायर करता हूँ, लेकिन आशीष वो भी चुरा लेता है। मतलब भाई आशीष की यार लगता है पूरा लक लेके आया था साथ में, मतलब ये बंदा होता है ये बॉट नहीं होता, एंजल करके आप नाम पढ़ सकते हो। लेकिन भैया जो भी था ये मतलब ऐसे निहत्ते से भाग रहे थे, जैसे हम इधर उधर भाग रहे थे, हमारा भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हमने जो है ट्राई करा भाई, उनको फटाफट मार देते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं, मतलब भाई किसी तरीके से मतलब बंदों को मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास तो कुछ ज़्यादा था नहीं, जैसे कि आप देखते एक कारल थी, और इस कार का L से आपको पता है बिना स्कोप के भैया मतलब उसका आयरन साइड बड़ा अजीब चलता है, कभी तो बहुत अच्छा चलता है और कभी बहुत बेकार चलता है। तो यहाँ पे मेरे पास 3x फिर मेरे को मिला, लेकिन भाई आशीष ने ना तो बुलेट छोड़ी ना तो भाई 3x छोड़ा। मैंने कहा भाई तू ही भर ले, तू ही खेल ले गेम, मेरे को खेलना ही नहीं है यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आशीष ने फाइनली जो है, मैंने भाई आशीष को बोला भाई मेरे को नहीं बताया, मेरे को दे भाई कुछ, मेरे को मैं नहीं जानता भाई तू क्या कर रहा है भाई, सब कुछ तो तू उठा लेता है। मैं उसको भाई बहुत बोला मैंने उसको, फिर उसने बोला ठीक है लाओ मैं दे रहा हूँ आपको 3x। तो मैंने कहा हाँ 3x दे। अब मुझे दिख चुका था सामने एक कमलेश, मतलब कमलेश था वो बंदा था, मुझे नहीं पता। तो मैंने आशीष को जान के बताया नहीं कहाँ पे, और मैंने जो है देख लिया था उसको। तो मैंने जैसे 3x लिया तो मैं पीछे भाग पड़ा उसके, मतलब भाई मुझे पता था कोई और मारे चुपचाप से जाके मैं मार देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक फिलहाल एक ही किल था। तो मतलब भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार क्या है यार, ना तो किल मिल रहे हैं ना तो बंदे मिल रहे हैं, ना कोई गन मिल रही है ना कोई स्कोप मिल रहा है। तो भाई फाइनली किसी तरीके से मेरे को 3x मिला, और भाई मैं चल पड़ा उसको मारने।
अब यहाँ पे मैं उसको हल्का सा डैमेज देता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन भैया वो बच जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरी बार में यहाँ पे वो नॉक हो जाता है, तो यहाँ पे मैं उसको इजीली नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे भागते भागते जब तक मैं जाऊँगा वो फिनिश भी हो जाता है। तो भाई 2 किल हो जाते हैं मेरे बीच के साथ। और भैया अब जो है मतलब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, जहाँ पे एमओ एमओ पड़ी थी कमलेश की हरी वाली, तो मैं वही उठाने गया था और उसको भी मैं लूटने चल पड़ता हूँ। अब इस बंदे को लूट उठ के मैं जा रहा हूँ वापस से, और मेरी जो टीम है वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं बोलता हूँ अरे कहाँ जा रहे हो भैया, वापस चलो पोचिंकी में, ठीक है बंदे हैं पोचिंकी में। तो पोचिंकी में बंदे मारे गए, मतलब पहले मैंने बुलाया था इनको, तो इनकी जॉगिंग करवा दी मैंने, मतलब थोड़ी सी कसरत भी होनी जरूरी है ना, मतलब इधर से उधर भगवाऊंगा तभी तो भाई मानेंगे ये, ऐसे तो प्रो प्लेयर नहीं बनेंगे ना, तो मतलब मेरे को थोड़ी बहुत कसरत करवानी पड़ती है अपने प्लेयर्स को, इधर उधर भगवाता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो एक और बॉट दिख जाता है मुझे, यानी कमलेश दिख जाता है, और इसको मैं AKM के आयरन साइड से मार देता हूँ। और आशीष बोलता है अरे यार ये गलती हो गई, गौरव भैया को बुलेट मिल गई, ये गलती हो गई है, ये गौरव राव भी सब किल नहीं करने देगा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इजीली जो है मतलब भाई आशीष ने बहुत किल चुरा लिए, पता नहीं शुरू में कितने किल कर लिए इसने, कम से कम बहुत सारे बॉट वॉट मारे थे इसने, इसके तो पूरे मजे ही आ गए थे। तो भाई मेरे को स्टार्टिंग में ढंग की गन नहीं मिली, और मेरे को सही बताऊँ तो बॉट भी सामने टकराया ही नहीं, मतलब कमलेश भी आज मेरे से बेवफा हो गया। मतलब यार कमलेश तुम ऐसा करोगे अब, मतलब तुम आशीष के पास जाओगे, मतलब मैंने तुम्हें इतना अच्छा नाम दिया है कमलेश, डुन 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 करके तुम आते हो, आज तुमने धोखा दे दिया यार मुझे, मतलब मेरे पास नहीं आए, सारे के सारे आशीष के पास चले गए, मेरे हाथ में सिर्फ 2 ही कमलेश लग पाए, मतलब जो भी लग पाए जो भी था। अब भाई आगे जाना था हमें आगे, क्योंकि बंदे लड़ रहे थे, और आगे जब बंदे लड़ रहे होते हैं ना तो भाई मैं घुस जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग भी फटाफट आ जाओ, क्योंकि भैया मेरे को करने हैं किल, क्योंकि आशीष ले गया सारे किल। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को दिख रही थी, तो लेवल 2 का बस्ता मिल गया था, लेकिन सामने जो है अभी काफ़ी सारे बंदे थे, तो मैंने डिसाइड करा कि आपको तो पता ही है पोचिंकी में जो मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट चीज़ है वो है रूफ। तो पोचिंकी के रूफ पे अगर आप चढ़ जाओगे तो भाई मतलब आपको क्या एंगल मिलता है, लेकिन मैं चढ़ ही रहा होता हूँ तो मुझे वहाँ दिखता है भैया वहाँ तो थर्ड पार्टी चल रही है, एक दूसरे पे TPP ले रहे हैं दो लोग। तो यहाँ पे जो है मैं उनको इतना डैमेज देता हूँ, एक नॉक भी होता है, लेकिन मेरी जो रीलोडिंग पे आ जाती है गन, और भैया मैं इतना हक देता हूँ ना यहाँ पे, मतलब भाई स्प्रे मेरा क्या ही था कार्ल का, और प्लस मेरी रिकॉर्डिंग, तो भाई एंड्रॉइड पे रिकॉर्डिंग करूँगा ना तो मेरा एम और जो बोलते हैं ना मतलब स्प्रे थोड़ा सा बिगड़ जाता है कई बार, तो वही हुआ मेरे साथ। और यहाँ पे एक नॉक किया था, अब वो भी रिवाइव हो जाएगा और मुझे यहाँ पे किल मिलने मिलने वाले, मतलब किल मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि भैया वो हो जाते हैं रिवाइव। तो यहाँ पे जो दोस्तों इनको तो मैं मार देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक ही किल मिलता है, ये वाली स्क्वाड फिनिश हो जाती है, लेकिन एक स्क्वाड और थी जो कि थर्ड पार्टी चल रही थी यहाँ पे, तो इतने में जो है नंबर 3 को वो नॉकआउट कर देती है। अब नंबर 3 जैसी नॉकआउट होता है, मतलब वो मेरा सब्सक्राइबर है जो मेरे साथ खेल रहा है नंबर 3, लेकिन यार अब जैसे ही वो नॉक होता है ना तो यहाँ पे मेरे को बड़ा समझ ही नहीं आता बचाए कैसे, क्योंकि भैया एकदम ऐसी जगह नॉक होता है वो, और भाई बिल्कुल फिनिश करने के मूड में होता है जो बंदा होता है ना भाई, वो एकदम कंजर होता है भाई, वो सोच रहा था बस फिनिश करना है मैं, क्योंकि अब देख सकते हो आप जैसे कि यहाँ पे आशीष आता है, और आशीष और मैं नशे देखे आपने एक बार नो मतलब हाई लेवल के नशे, हम एक दूसरे को ही मार रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों वो बंदा जो है भाई ऊपर ऊपर कहीं बैठा होता है, और अब देखना कैसे मुंडी निकालेगा मजदूरों की तरह। तो भाई मेरे को समझ आ गया था कि वो ऊपर ही है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ही देख रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बस सेंस कर रहा था कि कहाँ पे है, और मेरी तरफ का मुंडी निकालेगा वो। अब भाई वो देखो कैसे मुंडी निकाल के सोच रहा था मेरे को मारेगा, लेकिन मैं उसको डैमेज दे देता हूँ, और भाई सही बताऊँ डैमेज देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं इसको दोबारा डैमेज दूंगा। लेकिन भैया ये तो क्रिश था, मतलब भाई क्रिश वाले जो पता नहीं कौन से कपड़े पहने थे इसने, लेवल 3 की हेस्ट हेलमेट, मैंने AKM के दोबारा शॉट मारा, लेकिन फिर बच गया ये। तो भाई इसको कोई खौफ ही नहीं था, क्योंकि ये था क्रिश, जैसे मैंने आपको बताया भाई ऊपर बिल्डिंगों में छलांग मारता है और एनिमी को मार देता है भाई। तो भाई मैंने इसको काफ़ी डराया धमकाया, लेकिन भाई कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं जो है अपना IQ लेवल बढ़ा रहा था, मतलब भाई मैं 200 IQ लगाने की कोशिश कर रहा था इस बंदे पे, और अभी देखना मेरी कैसे पिटाई होगी। मतलब मैं छोड़ा और था कि भाई अब देख इसको मैं बताता हूँ, आशीष देख मैं कैसे मारूंगा, ठीक है, मतलब अभी मेरी बेइज्जती होने वाली है बहुत बुरी तरीके से, तो भैया अब तैयार रहो मेरी बेइज्जती देखने के लिए। मतलब मैंने यहाँ पे क्या ही करा है आप देखना अभी, ठीक है। तो मैं तोड़ता हूँ उसको, रोटेट मार के मैं मार दूंगा, ठीक है, ये तो बंदा इधर होगा इधर उधर, तो इसको मैं इजीली मार दूंगा। तो मैंने क्या करना, मैं यहाँ गया, ठीक है, और मैं इस वाले रूफ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं शाना बन रहा था काफ़ी, और मैं ज़्यादा हीरो बन रहा था, इसलिए जो है ना ज़्यादा हीरो बनना नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको अभी देखने को मिलेगी। मतलब जो ज़्यादा दिमाग चलाता है ना तो उसमें जो है उसका दिमाग सामने वाला एनिमी उड़ा देता है, तो वही आपको नहीं करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। और मैं सोच रहा था यार वो वहीं पे होगा, अब मैं झांकने लगा वहाँ पे, ठीक है, स्मोक में, और मेरे पड़े पट्ट से, ठीक है, और भाई मैंने बोला आशीष बचा ले भाई, आशीष बचा ले भाई, गोली मार दी। तो आशीष आता है क्रिश की तरह उड़ते हुए, मतलब भाई, और आशीष मेरी अब जान देखना कैसे बचाएगा। तो
फाइनली भाई आशीष ने उसको मार दिया और वो लास्ट बंदा था, मतलब भाई मैच बच गया भाई, आशीष ने कंटेंट बचा लिया मेरा, मतलब भाई आशीष ही प्रो है भाई, तो आशीष ने भाई यहाँ पे मेरे को बचा लिया। फाइनली आशीष ने एक रियल बंदा मारा भाई। अब यहाँ से मेरे को आशीष से रिवाइव मिल जाता है और मैं लगाता हूँ सबसे पहले एक मिरिंडा, क्योंकि भैया मुँह का टेस्ट पूरा बिगड़ गया था, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी बुरी पिटाई हुई कि मुँह का पूरा टेस्ट बिगड़ गया, तो सीधा मिरिंडा पीनी पड़ी मेरे को और साथ में तकिया लगा लिया ताकि थोड़ी देर सो भी जाऊँ और मेरी हेल्थ पूरी हो जाती है उसके बाद। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे ना बेसिकली मेरे को भाई लेवल वन का फिर से टोपा मिल जाता है, मतलब भाई उसने मेरा टोपा ही उड़ा दिया था, तो भाई मेरे को कोई ना कोई टोपा तो चाहिए होगा ना अपने आप को कवच करने के लिए, मतलब सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि भैया पबजी में हेलमेट की बहुत ज़रूरत है, तो हेलमेट के बिना लड़ना भाई बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो जहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि भाई पोचंकी ऑलमोस्ट खाली हो चुका था और मेरे 4 खेल थे और आशीष के कुछ ज़्यादा खेल थे, क्योंकि उसने बॉट भी पहले थे और बंदे भी पहले थे, मतलब भाई दोनों मिला के आशीष ने बहुत अच्छे खेल कर लिए थे और आशीष की खुशी नेक्स्ट लेवल पे थी, क्योंकि उसको पता था ये मैच हो रहा है रिकॉर्ड और वो सोच रहा था आज तो मैं हीरो बन जाऊँगा मतलब, और सही में भाई हीरो बन ही गया आशीष आज। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैंने मतलब भाई देखा कंपलसेटर वगैरह जो जो मेरे को चीज़ें मतलब लूटनी थी इन बंदों को हम लूटने लगे, क्योंकि भैया लूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोचंकी की भी दोस्तों कूड़ा बीनते ना मेरे को याद आया कि भाई आशीष ने मेरे को M24 बताई थी कहाँ पे है, तो भाई वो M24 भी मैं उठा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास था 8x, तो मैंने कहा क्यों ना स्नैपिंग करी जाए, मतलब बहुत दिन हो गए थे स्नैपिंग भी नहीं करी थी, तो मैंने वो कूड़ा उठा ही लिया और फाइनली जो है यहाँ पे M24 उठा ली। अब यहाँ पे जो है हम जैसे M24 उठाते तो एक गाड़ी जा देते हैं, मैं उसको काफ़ी बुलाने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं बॉड फायर देता हूँ, मतलब मैं स्प्रे देता हूँ थोड़ा बहुत गाड़ी पे किसी तरह वो आ जाए, लेकिन भैया वो आते ही नहीं। कौन से रैंक पुशर थे वो, जॉन करन जाना चाहते थे शायद, तो भैया वो आए नहीं, मतलब उनकी टट्टी निकल गई, मतलब उन्होंने कहा भाई गाड़ी भगा ले बंदे है पोचंकी में, भले वो बॉट ही क्यों ना हो लेकिन हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे top 10 में आने के बाद, हम लड़ेंगे एकदम मतलब जब एक या दो बंदे रह जाएंगे और हमारे आंखों के सामने बिल्कुल आ जाएंगे ना तभी हम उनको फायर करेंगे, उससे पहले हम फायर नहीं करेंगे। तो वो इस तरीके से चूरण की स्पीड में यहाँ से निकल जाते हैं, तो हमने भी कहा हम भी चूरण की स्पीड में यहाँ से निकलेंगे क्योंकि भैया हमें भी जो है किल करने हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की। तो यहाँ पे मैंने देखा एक बंदा उनका एक और था, तो भाई मैंने कोशिश करी M24 से डायनेमो बनने की, और भाई डायनेमो बनने की कोशिश में ना मैंने उसके ऊपर एक और शॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन भैया मेरे से फायर हो ही नहीं रहा था, लेकिन एक बुलेट मेरी लकली लग गई, मतलब मैं तुक्का भी कभी कभी चल जाता है, और भाई उसको चोट लग गई थोड़ी सी। अब चोट तो क्या लगी भाई, वो तो ऐसे चूरण की स्पीड में भागे जैसे उन्होंने चूरण खा लिया हो और उनके पेट गड़बड़ हो गया हो, तो भाई उनका पेट गड़बड़ हो चुका था, वो भाग चुके थे, मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे भैया हमें नहीं लड़ना है, भैया तुम क्यों फायर कर रहे हो हमारे ऊपर। तो मैंने भी आशीष को कह दिया आशीष हमें तो लड़ना ही है भैया, हम तो भागेंगे उनके पीछे धूम मचाते हुए। अब हम यहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं और हमें लगता है वो लोग स्क्वाड हाउस में रुके हैं, ठीक है, तो हमें फायर वायर आ रही होती है थोड़ी बहुत, स्क्वाड हाउस की तरफ हम रुक जाते हैं और स्क्वाड हाउस में जैसे ही हम रुकते हैं तो मैंने कहा भाई आशीष तू थोड़ा गाड़ी लेके आ, मतलब ठीक है मैं पैदल जाता हूँ तू गाड़ी लेके आ, तो भाई मैं जो है थोड़ा पैदल जा रहा था और आशीष जो है गाड़ी में आ रहा था, तो मैंने तो धूम मचानी छोड़ दी थी भाई क्योंकि पता था धूम मचाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आशीष जो है किल करने नहीं देगा, तो मैं जो है गाड़ी से उतर गया था, मैंने कहा कोई भी बंदा दिखेगा तो पहले मैं मारूंगा, लेकिन आशीष भैया अपनी पीली टैक्सी लेके आगे पहुंच जाता है, पता नहीं कितनी सारी पीली टट्टी करी है उसके अंदर जो पीली हो गई वो। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आता हूँ और यहाँ से टीपी भी लेता हूँ उन बंदों को मारने के लिए, लेकिन भैया फायर मुझे आगे ही तरफ आने लगा तो मैं भागने लगा और मैंने आगे देखा कि भाई किसी ने बीड़ी का बंडल फेंक रखा था और यहाँ पे जो है आपस में लड़ रहे थे भाई बीड़ी के पीछे कि तूने एक बीड़ी का बंडल कैसे वेस्ट कर दिया, तूने एक बीड़ी का बंडल कैसे वेस्ट करा। तो भैया यहाँ पे मेरा स्प्रे देख रहे हो कितना गंदा जा रहा है, लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए, होता है आप भी ट्राई करके देखिए, लगा के देखिए एक बार, गेम लगा के देखिए और रिकॉर्डिंग ऑन करके देखिए, पता चल जाएगा मतलब भाई कैसे ही आपका स्प्रे बिगड़ेगा, क्योंकि भैया रिकॉर्डिंग के टाइम में ऐसा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं और भाई कई बार आपका स्प्रे भी अच्छा लगता, तो ये एंड्रॉइड में प्रॉब्लम है। और आप कहोगे भाई आपके पास तो आईपैड है तो आईपैड में क्यों नहीं खेलते हो, भैया सिंपल सी बात है अभी हाथ सेट नहीं हुआ और मैं अपना जो है मेन आईडी जो है मैंने अभी तक आईपैड पे शिफ्ट नहीं करी, इस वजह से जो है मैं आईपैड पे नहीं खेल रहा हूँ। और यहाँ पे बात करें दोस्तों मैंने जो है उन बंदों को काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन आशीष वहाँ पे मौके पे चौका मारता है और उन दोनों को नॉक कर देता है, जैसे कि आप देखते हैं पहला नॉक कर आशीष ने और यहाँ पे उसको किल भी कर दिया। तो भाई आज आशीष पूरा लक साथ लेके आया, मतलब भाई मेरा एक तो पता नहीं क्या होता, मेरा स्प्रे ढंग से नहीं लग रहा था, लेकिन फाइनली मेरा स्प्रे ठीक हुआ और इस बंदे को जो है मैंने यहाँ पे पीटा। और यहाँ पे इनका ये लास्ट बंदा था, इसको हमने डायरेक्ट किल किया, इसका नाम PB मयंक करके कुछ था, तो PK होता है समझ भी आता है PK मयंक, लेकिन भैया PB मयंक क्या हुआ। तो यहाँ पे ये बंदा जा रहा था और मेरा स्प्रे देखिए, अब आप भैया मेरा स्प्रे जब चलता है ना तो बहुत तगड़ा चलता है, इसलिए भाई ओपन में मत घूमा करो, मतलब मेरा स्प्रे मानता हूँ बहुत टट्टी हो जाता है कभी कभी रिकॉर्डिंग की वजह से, लेकिन ये नहीं कि हर बार ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बंदा ना स्नाइपिंग कर रहा था मजदूर, अब पता नहीं कहाँ से कर रहा था छुप छुप के, भाई मैं उस तरफ घर में ही होगा, लेकिन भैया वो तो घास में लेटा होता है, मतलब अभी घास से उठेगा और फिर अपने दोस्त को बचाने आएगा क्योंकि मैंने उसको नॉक कर रखा है ना, तो उसके दोस्त की टट्टी निकली हुई है और वो बोल रहा होगा अरे बचा भाई बचा, अरे भैया जल्दी पानी ले क्या, पानी ले क्या, हाथ धो मेरे,
तो भाई वहाँ पे जो है वो बंदा कह रहा होगा, रुक जाना यहाँ पे भैया कोई और पानी की टंकी चला के बैठा है, मैं पानी की टंकी नहीं चला पा रहा, पानी गया हुआ है। तो भैया यहाँ पे जो है मैं उस बंदे को देख रहा था कहाँ है वो, कहाँ पे मोटर स्टार्ट कर रहा है वो, तो मैंने देखा ये रहा वो मोटर स्टार्ट करके भागा अपने दोस्त की तरफ, पानी आ गया था घर में, और पानी आने के बाद जो सोच रहा था भाई किसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे अपने दोस्त की जान बचा लूँ, मतलब हाथ धो दूँ उसके, लेकिन भैया यहाँ पे मैंने उसके इतने मारे, और यहाँ पे वो बीड़ी पीता हुआ आ रहा था, मतलब स्टाइल देख रहे हो उसका, मतलब भाई स्मोक कर रहा है 500 के बंडल फेंक फेंक के मार रहा है, और मेरा देखो भाई क्या ही नशे कर रहा है, फ़ोन आगे पीछे हो रहा है वो बंदा, पता नहीं उसका ग्लिच हो रहा है मेरा हो रहा है क्या हो रहा है, और मैं उसके ढंग से मार ही नहीं पा रहा, और वो फाइनली पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। तो यार सही बता रहा हूँ, मतलब पेड़ के पीछे जाके ना वो हाथ धो ही देता है अपने बंदे के, मतलब रिवाइव कर ही देता है उसको। तो यार मैंने कहा यार क्या फ़ायदा उसकी टट्टी निकलवाने का मेरा, मतलब भाई टट्टी निकाली हाथ साफ हो गया उसके सब हो गया, तो यार गलत बात है यार ये, मतलब भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने देखा उसने 500 के बंडल भी वेस्ट कर दिए, मतलब दो दो बीड़ी पी लिए, मैं उठा के मैं सोच रहा था मैं अपने पास रखूँगा बीड़ी और दुकान पर जाके बेचूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं देखता हूँ यहाँ पे हल्का सा थोड़ा बहुत दिख जाए तो मैं स्नाइपिंग करके डायनामो बन जाऊँ, लेकिन भैया वो पेड़ के पीछे से निकलने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, और जैसे ही वो मुंडी दिखाता है ना तो मैं रेडी नहीं था। अब यहाँ पे जो है दोस्तों फिर मैं जागता हूँ, लेकिन आशीष जो है फिर से भाई उसको मार देता है, मतलब आशीष बहुत फ़ायदा उठा रहा था आज। तो मैंने भी जो है 500 के बंडल में हवा में मारा भाई स्प्रे, और भाई वो बंदा फिनिश हो गया, और आशीष फालतू में स्प्रे कर जा रहा भाई, मैंने कहा ओ भाई नशेबाजी इतनी नशे मत करे करो, इतने कमलेश वाले नशे मत करे करो, सोल्यूशन मत पिया करो, बंदे ख़त्म हो चुके हैं, ऑल डेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम जाते हैं इन्हें लूटने, और भाई सही बता रहा हूँ इनके पास 500 का बंडल नहीं है, बहुत अमीर आदमी थे इनके पास भाई, इतनी सारी तगड़ी लूट मिलती है आप देखना भाई। यहाँ पे जैसे मैं पहुँचता हूँ तो भाई मेरे को 2 फ्लेयर गन मिलती है भाई साहब, मज़ा ही आ गया, मतलब भाई 1 फ्लेयर गन और 2 एमओ आप देख सकते हैं, तो मेरे पास अब 2 फ्लेयर गन हो गई थी, मतलब 2 एमओ हो चुकी थी, यानी भाई 2 ड्रॉप आएंगे और भाई मज़ा ही आ जाएगा, मतलब भाई अब तो बस नेक्स्ट लेवल वाली बात हो गई थी, अब तो लग रहा था चिकन टर हमारा ही होगा। और 2 फ्लेयर गन का बल्कि आशीष का रिएक्शन भी मतलब ऐसे ही था कि भाई मज़ा ही आ गया भाई, 2 फ्लेयर गन ये वो, अब तो मज़ा आएगा। तो मेरे को सामने दिया जाता है सरकारी ड्रॉप, जैसे कि आप देखते हो लाल धुआं छोड़ रहा है, तो मैंने कहा आशीष को फटाफट हम वहीं निकलते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा सरकारी ड्रॉप पे एक गाड़ी और जा रही है, मैंने वहाँ पे मार्क टू एनिमी कर दिया, ठीक है, मतलब डेंजर हेड कर दिया वहाँ पे, और मैंने बताया कि भाई हमें सरकारी ड्रॉप पे जाना है क्योंकि भैया वहीं पे जो है फाइट चल रही होगी, मतलब लास्ट के बंदे वहीं बचेंगे क्योंकि जोन भी वहीं था और वो देखो वो गाड़ी भी वहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डायनामो बन जाऊँगा, मैं भी डायनामो बन के एक शॉट मारूँगा, तो भाई ऐसी आपको पता है भाई लगनी तो है नहीं, बस ऐसी बस देखने के लिए स्कोप खोल के चौड़ा होने के लिए, मतलब थोड़ा सा ठीक है, तो बस ऐसी मैं देख रहा था कि भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, मार रहे हैं मत तो है नहीं मेरी। तो मैंने देखा भाई ये जो बंदा था ना बहुत ही बड़ा नशेड़ी था, ये समझ नहीं आया, जोन के बाहर भाग गया भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब गाड़ी चला रहा है क्या कर रहा है भाई, पक्का वो अपने टीममेट से गाली खा रहा होगा, अगर अकेला नहीं होगा ना टीममेट बैठे होंगे उसके तो भाई गाली बकरे होंगे, तो कर क्या रहा है, तो कौन से नशे में, तो क्या करके बैठा है भाई, जोन के बाहर ले गया वो गाड़ी भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा भाई ये कौन सा नशा था भाई आशीष, ये क्या हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने तो पी लिया एक मिरिंडा, क्योंकि मेरे को पता था भाई ये ब्लू जोन पप्पी कर चुका है, और इसकी पप्पी से ना बहुत करंट लगता है, और इसलिए जो है आप अगर मिरिंडा पी लोगे ना तो थोड़ा बहुत ही आपको माफ़ कर देगा। तो मैंने तो मिरिंडा पी लिया, और उसके बाद जो दोस्तों मैं आगे बढ़ पड़ा, और आगे बढ़ने के बाद भाई अब बचे थे सिर्फ यहाँ पे कुछ ज़्यादा बंदे बच गए थे, मतलब भाई आप जैसे कि देख सकते हैं 9 बंदे बचे थे बस, मतलब बहुत ज़्यादा है भाई मेरे लिए 9 बंदे। तो भाई 9 बंदों से मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं सोच रहा था भाई कोई कहीं ना कहीं से मेरे को डायनामो वाला पट से हेडशॉट ना मार दे, इसलिए जो है मैं फटाफट से जो है ओपन से कवर में आने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कहा आओ ना ताओ देखा, मैंने कहा जोन में आ गया आशीष, मैं चला रहा हूँ फ्लेयर गन, और मैंने जादू वाला कोड डाला ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और मैंने जादू को बोल दिया प्लीज़ जादू प्लीज़ एक बार AWM धुला दे, बस मज़े ही आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया, मतलब भाई और आशीष देख रहे हो मेरे को उड़ाने की कोशिश कर रहा था अपनी पीली टैक्सी से, मैंने कहा आशीष बेटा इतना बड़े नहीं हो तुम, अभी मेरे को उड़ा दो। तो यहाँ पे जो है आशीष ने अपनी पीली टैक्सी यहाँ खड़ी कर दी ओपन में ही, और हम जो है अब अपने सरकारी ड्रॉप का वेट कर रहे थे, सॉरी प्राइवेट ड्रॉप का, क्योंकि भैया वो बहुत महंगा ड्रॉप है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आने वाले हैं भाई अब, और क्या हम भाई चिकन ट्रे कर पाएंगे, मतलब हम कैसे सर्वाइव करेंगे यार, मतलब भाई ओपन में हमने 2 फ्लेयर ड्रॉप चला दिए, मतलब कोई करता होगा क्या ऐसे, मतलब भाई ओपन में एकदम, और अब हमें बचना भी है मतलब बंदों से, क्योंकि भैया जब ओपन में चलाएंगे तो भाई बंदे भी काफ़ी सारे आने वाले हैं, तो देखो अभी उन्हें हम कैसे मतलब झेलते हैं, या वो हमें झेलते हैं, या हम उनसे पीटते हैं, या हम उन्हें पीटते हैं, मतलब कुछ तो होगा ही भैया आज। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है पीछे भाई एयर ड्रॉप आने वाला था भाई, मेरा मतलब भाई एयर ड्रॉप आने वाला था, क्योंकि भैया जो एयर ड्रॉप है ना उसमें मेरे को चाहिए थी AWM, लेकिन भैया मेरे को लग नहीं रहा था आज जादू मेरे साथ देगा, क्योंकि भैया आशीष जो है ना भाग रहा था साथ ढूंढ ढूंढ करते हुए कि भैया आशीष, मेरे को लग रहा था कहीं आशीष ना ले ले भैया सब कुछ। तो मैंने एक 500 का बंडल फेंक के मार दिया आशीष की तरफ भी, अपनी तरफ भी भाई थोड़ा बहुत सेफ्टी के लिए, ताकि भैया थोड़ा बहुत धुआं उठेगा ना तो भाई मतलब एनिमी देख नहीं पाएंगे हमें। तो यहाँ पे पहले में आती है MK, मतलब भैया यार मतलब मूड ही ख़राब हो गया पूरा का पूरा, जादू ने मेरी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि साथ में आशीष था ना, तो आशीष की गंदी नीयत लग रही थी उस पर, तो
तो जादू ने इसलिए मेरे को साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे मैंने एक रनिंग शॉट दिया एक बंदे को जो भाग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है DBS आ गई थी, मतलब इतना गुस्सा आता ना DBS को देख के। लेकिन फाइनली यहाँ पे गीली लुंगी मिल गई थी तो मैंने गीली लुंगी उठा ली। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, कम से कम सांप वाप बनने के काम आएगी मेरे। वैसे मैं बनता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी बनने मजा आता है सांप भी। तो भैया यहाँ पे मैंने एक रनिंग हेड शॉट तो मार दिया था एक बंदे के, हेड शॉट कह रहा हूँ सॉरी, मतलब बॉडी शॉट मार दिया था भैया। मेरे मुंह से निकल जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो दोस्तों मैंने जैसे उसको शॉट वॉट मारा ना, मतलब अब यहाँ पे और बंदे आ चुके थे, मतलब हमें लग रहा था सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है, जो मेरे को दिखा था रनिंग में, लेकिन काफ़ी सारे बंदे थे, फैले हुए थे। अब यहाँ पे ये बंदा जा रहा था जैसे कि आप देख सकते हैं। और भैया मेरा स्प्रे कितना ही टट्टी वाला स्प्रे था, मतलब थोड़ा सा रिच भी था, लेकिन भैया लगी नहीं, गोली ही नहीं लगी। वाह यार मैं कितना अच्छा स्प्रे मारा ना उसको। तो यहाँ पे भाई किसी ने मेरे ऊपर दारू की बोतल फेंक के मारी। मैं कह रहा भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, दारू के पैसे नहीं मिले थे क्या घर से जो दारू की बोतल फेंक के मार रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला बंदा आया डुन 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 करते हुए पास, जैसे कि ये तो मेरे को आज पेल ही देगा। और मैं यहाँ पे छुपके बैठा हुआ था और उसको मैं भाई पूरा ही फिनिश करता हूँ। मैंने सोच लिया था तेरे को तो पूरा ही फिनिश करूँगा, तो इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो ये आगे आने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको पूरा ही फिनिश कर देता हूँ और उसका सामने वाला बंदा देखता रह जाता है कि ये कितना बदतमीज आदमी था, पूरा ही फिनिश कर गया मेरे टीममेट को, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं इसके टीममेट को भी अच्छे शॉट लगा देता हूँ, लेकिन भैया साइड से मेरे कोई इतने शॉट मारता है कि मेरे को भागना पड़ जाता है। आशीष जरा आशीष बचा ले भैया, आशीष कवर फायर दे, आशीष भाई बचा भाई, आशीष मेरे को मार रहा है कोई। और मैं यहाँ पे जाके छुप जाता हूँ भाई, मेरी बिल्कुल टट्टी निकल गई थी। और मैं यहाँ पे लेट के चुपचाप से एक तकिया लगाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं तकिया लगाता हूँ तो मैं एक पेन किलर भी खा रहा होता हूँ और भाई सामने मुझे बंदा दिख गया होता है। अब मैं उस बंदे पे एम लेके मार ही रहा होता हूँ जैसे कि आप देखना, लेकिन भैया मेरे ऊपर कोई फेंक देता है बमबानी जैसे कि आप देखना। मैंने उस बंदे को देखा और भाई मेरा पूरा एम बिगड़ गया। मतलब भाई कौन बदतमीज था ये, बमबानी फेंक रहा है, मतलब बिना सर पैर के भाई बमबानी फेंक देते कहीं भी, यार समझ नहीं आती यार आदमी है यहाँ पे उड़ जाएगा यार, शर्म करो थोड़ी सी। मतलब नन्ना मुन्ना सा एक बच्चा पबजी खेल रहा है तुम उसको चिकन डिनर करने नहीं दे रहे हो, मतलब एक बंदे के पीछे सारे पड़ गए हो, मतलब उसने गीली लुंगी क्या पहन ली है, सबको वही चाहिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने भाई सोच रखा था कि भाई ये मैच तो मैं निकाल के रहूँगा भाई, मेरे पास लेवल 3 वेस्ट है, हेलमेट है, गीली लुंगी है, तो मैं ऐसे तो नहीं हार मानूंगा अपनी। और यहाँ पे जो है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास भाई M4 भी है और मेरे पास स्नाइपर भी है, तो भाई कैसे हार सकता हूँ मैं, मतलब भाई ये वाला मैच तो जीतना ही पड़ेगा मेरे को। अब ब्लू जोन आ रहा था भाई, दुश्मनों की पप्पी ले रहा था, मतलब भाई किसी की पप्पी ले रहा था, हम तो जोन में थे तो हमारी पप्पी अभी नहीं ले सकता था ब्लू जोन, लेकिन भैया सामने से फायर भी हो रहा था। और सही बता रहा हूँ मतलब ना यहाँ पे सारे के सारे बंदे इधर उधर छुप के बैठे थे, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैंने देख रहा था कि कहाँ है यार बंदे, मतलब और बंदे कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे सामने मेरे को कोई बंदा दिख रहा था, मतलब कोई कभी कहीं दिख रहा था। तो भाई सारे बंदे अपना अपना दिमाग लगाते जैसे हम लगाते, तो हमारे पास ये रिच था तो हम इस रिच के भरोसे बैठे थे कि भाई अब जो होगा इस रिच के भरोसे ही होगा। तो मैं पीछे चेक करता कि यार वो बंदा कहाँ गया जो मेरे को स्प्रे मार रहा था। अब इतने में जो है पीछे से बंदा आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने आशीष को बता दिया भाई पीछे से बंदा आ चुका है और उसको हम फायर देते हैं भाई ये ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, मतलब भाई कभी ऊपर है कभी नीचे जाए ऊपर है नीचे जाए। मैंने कहा भाई ऊंची नीच का पापड़ा खेल रहा है क्या, ले आशीष इसके मार तू, ये मानेगा नहीं, इसने ऊंच मांगी ना नीच मांगी। और ये भैया इसको हमने पहुँचा दिया लॉबी में। अब भैया लॉबी में पहुँचने का अपने दोस्त को गाली बकरा होगा, आए नहीं ना रश करने मेरे साथ, मैं अकेला चला गया रश करने, तुम्हारे बस की नहीं तुम डूबड़े हो। और ऐसे भाई गाली वाली बकी होगी अपने दोस्तों को और भाई गुस्से में एग्जिट ही मार गया होगा। और उसके बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पे दो बंदे और दिख जाते हैं और मेरी नशेबाजी अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने सोचा उसके ऊपर मुंह पे एक लड्डू फेंक के मारूंगा, बम्बानी फेंक के मारूंगा, और ये देखिए फेंक ही रहा था। और झाँक क्यों रहा हूँ भाई, झाँक क्यों रहा है भाई, तू कर क्या रहा है भाई, सही में अलग ही लेवल का नशा मैंने भी कर रखा था, क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग में होते हैं मेरे से नशे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो तकिया लगाया फिर मैं हिल गया, मतलब भाई तू कर क्या रहा है, तू आज लगता है गेम खेलने के मूड में नहीं है गौरव, तू कुछ और ही करने के मूड में है। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ भाई, बार बार ऐसे हरकतें उल्टे पुल्टे हरकतें कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये बंदा मेरे को दिख जाता है ओपन में भागते हुए, मतलब इतनी हिम्मत होगी तेरे को, क्या लगता है मैं तेरे को स्प्रे में मार नहीं पाऊंगा, ये ले फिर, मतलब मानता हूँ मेरा थोड़ा बहुत स्प्रे इधर उधर होता है लेकिन इसका मतलब थोड़ा तो मार ही नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पे इसका दूसरा बंदा था और मैं देखो कितना चौड़े में सोच रहा था उसको मार दूंगा ले, लेकिन भैया उसने मेरे को ही मार दिया, प्रिया ने मार दिया भैया मेरे को, प्रिया ने भाई देख रहे हो। अब इस प्रिया से अगर मैंने बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। अब आपको जो है दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर मैंने इस प्रिया से बदला ले लिया तो। भाई इस प्रिया से बदला लेने से पहले मैंने आशीष को बोला भैया जोन आ रहा है, और जोन ने मेरी हल्की सी पप्पी भी ले ली ना, मतलब छू भी दिया मुझे तो मैं मर जाऊँगा, तो इसलिए फटाफट मैं थोड़ा सा अंदर आया और फटाफट मैंने यहाँ पे तकिया लगाया। तो भाई इस प्रिया को तो मेरे को मारना ही था, मतलब इन दोनों को मैं ही मारूंगा सोच रखा था। तो पहले मैंने इस राज को करा नॉकआउट, ठीक है, इसकी सिमरन तो नहीं थी, इसकी प्रिया थी, तो मैंने कहा भाई इस प्रिया को नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। मतलब भाई दुश्मनी हो गई भाई, मेरे को कैसे मारा तूने भाई, इतनी हिम्मत, मतलब मैंने तेरे राज को क्या मारा, तूने तो भाई मुझे उड़ा दिया। तो भाई मैंने इसको राज को पूरा ही फिनिश कर दिया, मैंने कहा ले पहले तेरा राज जाएगा, राज को करा दी मैंने खाज और अब तेरे को मैं पहुँचाता हूँ लॉबी। तो गाइस मैंने प्रिया को मार दिया है, इस बात पे एक लाइक, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, नया है जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है वो लाइक कर दो भैया, और वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।
और बाकी लोग जो है भाई शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब सामने बचे थे बंदे, ये देखो नागिन, नशे देखो आप। तो मैंने सा आज तो भाई डायनो बॉम्ब बनने का पूरा मौका मिल गया, पट से हेडशॉट। तो पहले इसके एक शॉट दिया, फिर इसके एक और दिया मैंने शॉट, ठीक है। उई उई उछल रहा था भाई ये कि बचा बचा बचा, अरे बचा भाई बचा बचा, अरे बच जाऊंगा भाई तू बचा, तू बचा सकता है। तो मैंने कहा तू क्या बचाएगा, तेरे भी एक शॉट ले। अब इसके बाद जो है मैंने भाई उसको 500 का बंडल फेंका उसने अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन उसको बचाने दिया नहीं। तो मैंने यहाँ पे उसके भाई दोस्त को पूरा फिनिश कर दिया। अब बारी थी उसकी भाई, ठीक है भाई। वो इतना ढीठ था, वो पेड़ के पीछे बैठा रहा, मतलब उसने कहा भाई मेरी टट्टी निकल चुकी है, अब भाई गौरव राव बीस्ट आ चुका है सामने से। और इसके मैंने फिर एक शॉट दिया, देख रहा हूँ M24 के नशे भी मरते नहीं जल्दी से, लेकिन भैया ये जा रहा था भागता हुआ, सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन भैया इसी तरह विनर विनर चिकन डिनर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हालांकि आशीष 12 किल कर गया, लेकिन आशीष से ज़्यादा डैमेज मेरा है और मेरा एक ही किल कम है। तो भैया पबजी के थोड़े से नशे भी होते हैं, पबजी डैमेज नहीं चेक कर रहा आजकल की भाई। हाँ मानता हूँ आशीष ने मुझे 2 बार रिवाइव किया, भाई आशीष आज प्रो बन गया है। पता नहीं आज आशीष का किस्मत था या क्या था, आज वीडियो में उसको हीरो ही बनना था, तो आज वो भाई हीरो बन चुका है। तो इसी बात पर आशीष के लिए एक लाइक कर दो भाई, आशीष ही खुश हो गया आज। और देख लो भैया लॉबी कौन सी थी, क्राउन 4 की लॉबी थी। बोलते हो भैया बॉट लॉबी मार ली, ये मार लिया, तो डैमेज भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।